नमस्कार दोस्तों, स्टार्स अनफोल्डेड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेजी के बारे में, जिन्होंने अपनी सिंगिंग से भारत में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। आज इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम नेजी नहीं बल्कि नावेद शेख है। आज वह लोगों के बीच नेजी के नाम से काफी मशहूर हो चुके हैं। उन्हें मुंबई के सबसे पॉपुलर रैपर्स में से एक माना जाता है। तो आज की हमारी कहानी है नेजी के बारे में। हम जानेंगे किस तरह मुंबई के गांव का एक आम लड़का ऊंचाइयों के सारे आयामों को पार करके इस मुकाम पर कैसे पहुंचा। नेजी का जन्म 10 अगस्त 1993 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई गुरु नानक खालसा कॉलेज मुंबई से की। वह एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार 1935 से मुंबई में कुर्ला के चौल इलाके में रहता है। दोस्तों, बचपन से ही उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। नेजी के पिता दुबई में काम किया करते थे। अपने पिता की अनुपस्थिति के कारण वह बुरी संगत में पड़ गए और इसी वजह से उन्हें एक बार तो जेल भी जाना पड़ा। जब वह पुलिस स्टेशन में थे तब उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया और उसके कुछ समय बाद नेजी ने अपने इलाके में एक विवाह समारोह में जमैकन रैपर शॉन पॉल का गीत टेम्परेचर सुना, जिसको सुनने के बाद उनकी रुचि रैप में जागृत हो गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना स्टेज नेम नेजी द बार रख लिया, जिसका अर्थ है नेजी द क्रेजी। उन्होंने रैपर्स लिलवेन और शॉन पॉल की तरह गीतों को लिखना और उनका अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब वे कॉलेज में थे तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर द स्कीज़ोफ्रेनिक्स नामक एक हिप हॉप ग्रुप का संगठन किया। दोस्तों, एक बार उनके पिता ने उन्हें दुबई से एक आईपैड भेजा था ताकि वह स्काइप के माध्यम से अपने परिवार के साथ बात कर सके। नेजी ने इसका इस्तेमाल अपने पहले गीत आफत को रिकॉर्ड करने में किया और इस गीत को उन्होंने 7 जनवरी 2014 को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया। इस गीत को अब तक 3.5 मिलियन से भी अधिक लोगों ने सुना है। नेजी ने पुणे में NH7 वीकेंड फेस्टिवल में 18,000 से अधिक लोगों के सामने अपने गीत का लाइव परफॉर्मेंस किया। वर्ष 2015 में उन्होंने रैपर विविन फर्नांडिस, जिसको लोग उनके स्टेज नेम डिवाइन से जानते हैं, उनके साथ रैप किया। वर्ष 2019 की बॉलीवुड फिल्म गली बॉय में रणवीर सिंह ने नावेद शेख की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी हॉबीज के बारे में। उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेजी से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।